यस सर, देखो सर, ये एचडीएफसी बैंक है करेक्ट, राइट, ये ऊपर गया था, ये जिगजैग हम सीखने वाला है, वी विल लर्न दिस यस सिग्नल, इसमें आपको लेवल समझ में आ जाएगा ये क्या है। इनफैक्ट ये डाउन ट्रेंड में इसको इसने क्लिक किया था, ओके इसने इधर डाउन ट्रेंड में आया था, ओके राइट सर, मतलब राइट नहीं है सर, आपको पता नहीं है मतलब क्या है, ये लो को इसने तोड़ा था, ओके समझ रहे हो, ये लो को इसने मतलब ये कैंडल ने इसको तोड़ा था, ओके ओके ये कैंडल को ये इसने लो तोड़ा था, ओके ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होना चाहिए सर, ये जो लेवल है ना, ये लेवल है, ये लेवल से नीचे गिरना चाहिए, ये लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरना चाहिए, राइट ओके अभी आज ओपन होते ही क्या उसके ऊपर खुला, उसके यस यस सर, ऊपर खुला ना, 78.15 इज द एंट्री, ओके दिस वन 78.15, देखो टारगेट था 97 इसका हाई, लेकिन उधर तक नहीं गया, नो प्रॉब्लम, ये स्टॉप लॉस बचना चाहिए, दिस इज द एंट्री, ये ऊपर है सर, ये टॉप उड़ेगा, ओके ये यस टॉप टूट जाएगा, क्लियर है ना, ये जिगजैग में आपको सर, समझ, देखो क्या है, ये अप ट्रेंड में है, सब कुछ ऊपर है, इनफैक्ट जब ये तोड़ा था ये डाउन ट्रेंड में आया था, ओके अभी क्या है, प्राइस इसके ऊपर खुलना चाहिए था, इंतजार था कि भाई खुले ऊपर, खुला सर बाद में, कौन सा विच वन इज आईसीआईसी बैंक, ओके आईसीआईसी बैंक में देखो वही चीज मैं बताता हूँ सर, ये सब सीखेंगे, वी विल लर्न ऑल दिस सर, ये लेवल को इसने तोड़ा था, ओके ये लेवल को इसने तोड़ा था, यस सर, यस ये लेवल मतलब ये वाला हाई, ओके ये वाला हाई, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल को लो तोड़ा था, थोड़ा है क्या, थोड़ा हाँ तोड़ने के बाद प्राइस इसके अंदर घुसा ना, यस सर, अंदर घुसा है ना प्राइस इसके अंदर, इसका इसका यस सर, मतलब है ये कैंडल में कुछ है, अगर इसको गिरना है ना सर, अगर इसको गिरना है, ये अंदर घुसा है तो इधर से ये गिर जाएगा, ये लेवल से समझ रहे हो ना, यस ये लेवल से, ओके ये नहीं है खुला ऊपर करेक्ट, राइट इसलिए दिस इज द लेवल, सर, हाँ सर आपने ग्रीन कैंडल क्यों नहीं मार्क कर किया सकते, कर सकते जिसका हैं, अभी कर सकते, चल, कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखो यू कैन मार्क दिस लेवल हियर आल्सो, ओके अभी ये डाउन ट्रेंड में आ गए थे ऑलरेडी, अभी क्या है ये नीचे टूटा है ना, ये इधर से ये नीचे गिरना चाहिए, ओके ये लेवल से, नहीं तो ये हाई से गिरना चाहिए, ये खुला इसके ऊपर, ओके ऑल दिस आर जिगजैग, ओके यू विल लर्न दिस इन डिटेल सर, फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू वांट टू गो फ्रॉम बिहाइंड, ओके फ्रॉम ये नीचे गिर रहा था ना, इधर इधर नीचे गिर रहा था करेक्ट, ओके नहीं तो हम ऊपर उड़ने का देखेंगे, ये ऊपर उड़ रहा है ना, ये इधर लो लो मार के ऊपर जा रहा है ना सर, वी विल लर्न इन डिटेल सिंस यू आस्क्ड, ये ऊपर जा रहा है ना, हम ये सारे सीखने वाले हैं सर, ये होता है ट्रेडिंग, ये ऊपर जा रहा है ना, यस सर, वही ऊपर है, जाना, ओके आप देखते हो तो इसका हाई को इसने तोड़ा था, इसको हाई को इसने तोड़ा था करेक्ट, यस सर, इसका हाई को इसने तोड़ा था यस करेक्ट, ओके क्या प्राइस इसके सर, अंदर आया था, क्लोजिंग का बात करता हूं मैं, नहीं नहीं इसके बाद ये हाई को इसने तोड़ा था करेक्ट, क्या प्राइस इसके अंदर आया, नो सर, ओके नहीं यार, अभी ये हाई को इसने तोड़ा था, हाँ तोड़ दिया क्या प्राइस अंदर थोड़ा, आया, तोड़ के यस सर, ये यस प्राइस अंदर आया सर, ना, ओके चलो ये करना है सर, यस सर, ये करना है सर, क्या होना चाहिए, अगर ये तोड़ना है तो ये जो लेवल है, ये जो 839 का लेवल है, इसको तोड़ के नीचे इधर से ये गिर जाएगा, क्या ये लेवल को यस ऊपर टूटा, सर, ओके अभी देखना, यस सर, अभी देखना, अभी जब ये ऊपर टूटा है, ये इधर ऊपर टूटा है, उसके पहले देखो मतलब ये हायर है, मतलब क्या ये लेवल को मतलब डाउन साइड में ये लेवल ये टूटा था, यस सर, यस सर, टूटा था, बाद में
क्या ये लेवल भी ये टूटा था? ये लास्ट लेवल है ना सर जो टूटा था? यस सर। इनफैक्ट ये लो से ही गिरना चाहिए था क्या? खुला ऊपर, दैट इज द एंट्री। यस सर। वी विल लर्न ऑल दिस सर। ओके फाइन, अभी बताया तो कोई नहीं है, मुझे zigzag को प्रॉपर तरीके से आपको सिखाना है तो ठीक है। ओके, उसके लिए थोड़ा होल्ड करना सर आपको, मुझे पता है अगर ये समझ में आ गया। मैं चार्ट को मैं बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ, अगर ये इधर ये चीज हुआ है, इधर भी ये चीज होना चाहिए। इसका मतलब है इधर लो टूटा था, करेक्ट? ये इधर से गिरना चाहिए, ये मतलब ये कैंडल है, मतलब ये ऊपर टूटेगा, अभी ये हाई को ब्रेक करेगा, वही चीज में इसमें बताया। अभी अगर गिरना है तो इसका लो से गिरना चाहिए था, उठा है तो हाई टूटेगा, मैं बोला ना हाई हाई टूटेगा बोल के, नहीं टूटेगा, टूटेगा। निफ्टी का बात देखना है, निफ्टी का देखना है। 27 था सर आज का टारगेट, 721 वो हो गया, 27 के ऊपर ही क्लोज दिया। ओके देखो, अभी देखो, फॉर एग्जांपल वी विल लर्न ऑल दिस, नाउ वी विल टेक अ स्विंग। ओके नाउ हियर, मतलब इधर से लोअर लो मार के ऊपर जा रहा था, करेक्ट? यस सर। ओके, मतलब ये हाई को इसने थोड़ा इसके नीचे नहीं आया, इधर हाई को थोड़ा नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया। अगर आप इधर देखते हैं, ओके, इसका हाई कितना है सर, इसका हाई कितना है, कितना दिख रहा है आपको हाई? 25.75, करेक्ट? यस सर। इसका क्लोज देखो 28 है, इसका मतलब है इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है सर। ओके यस सर। ये कैंडल के ऊपर इसने क्लोज दिया है, क्लियर है ना? यस सर। अभी क्या है प्राइस, क्या इसके अंदर आया? यस सर आया। क्या प्राइस इसके अंदर आया? इनफैक्ट ये जब गिरा था, ये जो ब्रेकआउट आया था ना सर, इसको इसका ब्रेकआउट आया था। ओके ओके, इधर से नहीं है। हाँ ओके, ये लेवल तक आ गया था। ओके यस सर। अभी क्या होना चाहिए सर, ये जो लेवल से इधर से नीचे गिरना चाहिए। यस सर। अभी मेरा इंतजार था ये एक लो टूटे, मतलब एक दो तीन दिन पे कोई लो नहीं टूटा सर। ओके कोई लो नहीं टूटा। बाद में अभी देखो, ये ऊपर जाते समय है ना, वैसे ही नीचे आते समय ये लेवल को इसने तोड़ा था पहली बार। यस सर। ये कैंडल को ओके नीचे तोड़ा था। ओके अभी क्या होना चाहिए, इट शुड फॉल फ्रॉम दिस लेवल, दिस हाई से ये गिरना चाहिए। Yes, sir. This should fall from this high. अभी क्या हुआ है सर देखो, इसमें कोई लोस नहीं टूटा है, कोई लोस नहीं टूटा है। ओके यस सर। ये लेवल से नीचे गिरना चाहिए था। इसका लो कितना है सर देखो, 29 है, 729। ये इसका टारगेट था आज का। Yes, sir. Okay. इसका इनफैक्ट ये छोटा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी ये टॉप उड़ने वाला है। यस सर। उड़ेगा, हाँ देखोगे, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है भाई, किधर खुलेगा, क्या गैप अप हो सकता है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। उसके लिए कोई पोजीशन नहीं बनाया, नहीं तो बना लेता था मैंने। हाँ जाना ऊपर ही है, लेकिन प्राइस में नहीं मिला। अभी देखो इधर, ओके हाँ बाद में, इधर एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्या था सर इधर? वीक का लो, ये वाला था रेंज, ये वाला था, इसने ब्रेक करके नीचे आया था। अगर इसको गिरना था ना सर, इसके नीचे गिरना चाहिए था। ओके यस सर। इसका लो कितना है सर? 753। इसका लो कितना है? 97 का मतलब है इसने ब्रेक किया है। ओके लो साइड, ओके लो साइड में इसने ब्रेक किया है 600 को, 600 इसका सपोर्ट लेवल। ओके इसको बोलते हैं, अभी ये टूटने वाला है लेफ्ट साइड में। ओके 17,800 कॉल, ओके 20 में मिल रहा था, देखो कितने तक जाएगा, हाई टूटने वाला है। सो वी विल लर्न ऑल दिस। ओके जिग-जैग जब पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा।
सर एक लास्ट बैच में सर आपकी जो है ना कुछ वीडियो देखी थी सर मैंने, उसमें क्या है सर आपने जो है ना वो लेवल्स निकाले थे जो बोलते हैं लास्ट शॉर्ट की लास्ट लॉन्ग की, है ना, तो सर उनको देख के ही सर मैंने आज मारुति के अंदर जो है ना वो एक लेवल आइडिया से नोट किया था, लास्ट लास्ट शॉर्ट और लास्ट लॉन्ग वाला क्या वो क्या सर। होता है ना सर, आज से हमें माइक्रो लेवल्स पढ़ना है, हम पढ़ने वाले हैं सर वो सारा चीज। यस सर, यस सर, यस सर, अभी आगे मूव करूं मैं? यस सर, सर सर आगे क्या बढ़िए। होता है, क्या होता है सर, एक चार्ट में अगर मान लो ये कोई चार्ट है, ओके, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेवल होता है, ओके, इम्पोर्टेंट लेवल वो हमको रीड करना पड़ेगा। हमने वही काम अभी तक कर रहे हैं, ओके, अभी तक हमने वही काम कर रहे हैं कि भाई इन इम्पोर्टेंट लेवल किधर किधर आ सकता है बोल के। आपको पता है इम्पोर्टेंट लेवल, करेक्ट, इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम, करेक्ट। राइट, यस आपको बताया 3P का लेवल, करेक्ट, कौन सा लो को टूटा है, कौन सा अर्थ को टूटा है, बाद में अभी जिगजैग का भी लेवल आ जाएगा कि भाई कौन सा लेवल है बोल के। ये सारे आपका इम्पोर्टेंट लेवल्स होता है सर, क्लियर है ना? यस अगर मार्केट को ऊपर जाना है वही उसी को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इसका मतलब है अगर ये कोई इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये मतलब इसी को सपोर्ट लेके इसे ऊपर जाएगा। वो यस इम्पोर्टेंट सर, लेवल आपने जो मार्क किया है ना सर, शुरुआत में आपने जो बोला मारुति में टाटा मोटर्स में आपने जो मार्क किए थे उधर से ये एक्शन हुआ, करेक्ट। यस सर, वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसी को सपोर्ट बना के या रेजिस्टेंस बना के, मतलब नीचे करना है तो उसी से इसे गिर जाएगा, यस ओके। वो लेवल्स यस सर, हमने अभी मार्किंग सीखा है उसको हम नेक्स्ट 2 डेज में यूज करने वाला है। वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो सब, इंपॉर्टेंट लेवल ही सपोर्ट बनता है, इंपॉर्टेंट लेवल ही रेजिस्टेंस बनता है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस यस सर, यस सर, बाद में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है क्या वो सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है, ये हमें 2 तरीके से समझ में आ जाता है। एक है ओपनिंग में, ओके। यस राइट सर, तो अगर मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल था प्राइस इसके नीचे है, ओके, ये रेजिस्टेंस है सर, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ओपन हुआ इधर ये सपोर्ट बन गया यस सर, है ना सर। यस सर, एग्जैक्टली, यस कभी कभी क्या होगा, एक कल होने वाला है, कल ये चीज होने वाला है, ये नीचे है मतलब ये इधर से गिरना चाहिए, आप मानते हो कि भाई प्राइस नीचे है, ओके, इधर से ये गिरना चाहिए, इसने क्या करेगा पहले ये ऐसे बनेगा, बाद में ये जब नीचे आएगा ये लो को नहीं तोड़ेगा, ये होने वाला है कल, आई लाइक, ओके। उसके पहले ही ये घूम जाएगा इधर से, आप ये सोचते हैं कि भाई मैं इधर से बाई करूं, इधर से बाई, आपको इधर से बाई करना है, वी विल आई टीच यू दिस, ओके। मतलब यस सर, ये सारे ये क्या होता है, ये सपोर्ट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, हमें ये जिगजैग बताता है, पता है ओपनिंग बताता है, ओके। बाद में और एक चीज है, हमें इंपॉर्टेंट लेवल को देखना है पैटर्न्स, हां सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न बनता है सर, क्लियर है ना? मार्केट में यस सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैटर्न बनता है सर। अगर ये जो बता रहा हूँ ना उसको अगर हासिल किया वो आपको दिखने लगेगा ना मार्केट में, आपको कोई रोई नहीं रोक सकता आपका एंट्री में, स्टॉप लॉस आइडेंटिफिकेशन में, हाँ ये सारे चीज में, क्या इसमें आगे बढ़ू मैं, शायद आपको पता भी होगा यस वो चीज, थोड़ा इसे कॉन्सेंट्रेट करना, अगर शायद आपको पता भी है तो नो प्रॉब्लम, ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर देना, ओके। सर, विक्रम यू बी देयर, नो प्रॉब्लम। प्रशांत इफ यू नो दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस यू कैन लीव द क्लास, इफ नॉट यू कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ प्रशांत ओके सर, डिसाइड, हाँ ओके। एनीवे हाउएवर आई विल सेंड द वीडियो, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बस नेक्स्ट 1 आवर बी हियर, डोंट गो। नाउ फर्स्ट है सर वॉलेटिलिटी मेथड, क्या है वोलेटिलिटी मेथड, ये एक यस मेथड से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है ना? यस सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल, क्लियर है ना, यस सर, चाहे टाइम वीकली मतलब आपका इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम का हो, चाहे वो आपका 3P का लेवल हो, चाहे वो ज़िगज़ैग का लेवल हो, वो सारे आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है।
वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करने का मेथड ये वाला है, क्लियर है ना। पहला मेथड क्या है, वोलेटिलिटी मेथड से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है ना। यस राइट सर। ओके ओके से ओके, मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा कॉन्सेंट करना है इधर, अगर आपको पता है तो नो प्रॉब्लम सर। इसका वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी का मतलब क्या है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हायर हाई क्लोजिंग, मतलब पहले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आया, हायर हाई ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, मतलब सर बाइंग एग्रेसिव है इसमें। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट इन सर्टेन डायरेक्शन। ओके, वोलेटिलिटी का मतलब है वन साइड मूवमेंट। ओके यस सर, ये मूवमेंट किस तरफ है, अपसाइड में, ये मूवमेंट किस तरफ है, अभी क्या हुआ सर, वोलेटिलिटी बढ़ गया, डाउनसाइड बढ़ गया, डाउनसाइड वोलेटिलिटी बढ़ गया, करेक्ट। यस सर। ओके अभी बताओ मुझे, वोलेटिलिटी घट रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। अभी क्या हो रहा है सर, बढ़ गया, बढ़ रहा है। अभी क्या हुआ, कम हो गया, वोलेटिलिटी कम हो गया, करेक्ट। यस सर, यस सर। अभी क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ गया, डाउनसाइड बढ़ गया, क्लियर है ना। ये वोलेटिलिटी बढ़ गया ना, कब समझ में आ गया, मुझे दो ग्रीन या दो रेड चाहिए। यस सर, राइट राइट। ओके, दो ग्रीन या दो रेड, एक रेड से क्या होगा, वोलेटिलिटी घट गया है, उतना ही बढ़ा नहीं है। यस सर, एक ग्रीन से क्या हुआ, एक ग्रीन से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें वोलेटिलिटी रिड्यूस हुआ है, कुछ भी हुआ है, नो प्रॉब्लम। मुझे अगर वोलेटिलिटी को ढूंढना है, मिनिमम कितना चाहिए मुझे, दो चाहिए, करेक्ट। तो कंफर्मेशन, दो कैंडल्स मुझे चाहिए, दो ग्रीन दो रेड चाहिए, क्लियर है ना। यस सर, राइट। ओके, और इसका मतलब है भाई, ये जो टॉप है ये इसका रेजिस्टेंस है, क्लियर। ओके सर, राइट सर। यस सर, यस सर। अभी जो ये जो वोलेटिलिटी घट गया था ना, जो लो है वो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन है, क्लियर। सर इसको एक बार दोबारा बताएं सर, वोलेटिलिटी क्या हुआ सर, सर वोलेटिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया सर, बढ़ गया। ओके, अभी वोलेटिलिटी क्या हो गया, सर ये भी घट गया, बड़ा वोलेटिलिटी क्या हो गया सर, घट गया, बिकॉज प्राइस रुक गया, बढ़ा हुआ है सर, बढ़ा हुआ है सर। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, बोलते हैं इधर वोलेटिलिटी बढ़ गया। यस सर, बढ़ गया, उनको पता है। ओके, उनको किसी ने सिखाया कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वोलेटिलिटी मेथड से दो ग्रीन दो रेड चाहिए, उनको उतना ही पता है, ये चीज पता नहीं है। मुझे ये बताओ कि भाई ये कैंडल में वोलेटिलिटी बढ़ा है या कम हुआ है सर, कम हुआ है, कम हुआ सर, पॉइंट क्लियर है सर। यस सर, पॉइंट क्लियर है, ये स्ट्रक्चर हायर है ये सर। यस सर, वोलेटिलिटी अपसाइड में ही है ना, राइट अपसाइड। हाँ
हाई है तो सर टू रेड टू ग्रीन का फिर कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा सर फिर यहाँ पे? अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना है, फर्स्ट रेड कैंडल बना है, इसका मतलब सर वोलेटिलिटी कम हुआ ऐसा नहीं होगा क्या सर? नहीं सर, वोलेटिलिटी कब कम होगा, ट्रेंड बदल देगा तब, लोअर लो बनना चाहिए। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, एक रेड कैंडल बनने से वोलेटिलिटी कम नहीं होगा? यस सर, एक्चुअली में तो हायर हाई कर रहा है सर, हायर हाई है। यस सर। अच्छा, अगर होना चाहिए तो और एक आना चाहिए, अभी बढ़ गया भाई, इसका रेजिस्टेंस इधर है, ऊपर नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है ना? ऐसे चीजों का सीखने वाला है सर, अभी शुरुआत से करूंगा अभी। सर एक सवाल पूछो सर। हाँ, जैसे सर ये भी आपने फर्स्ट कैंडल जो बनाया और सेकंड कैंडल जो बन रहा है वो सपोज हाई वोलेटाइल कैंडल है, तो सर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना, हाई वोलेटाइल दो वोलेटाइल का कोई ये नहीं रहेगा ना इसमें? नहीं, उसमें है, उसमें है, उसमें है, हम देखेंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न ऑल द दिस वन मेथड्स, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके ओके सर, देन यू विल अंडरस्टैंड। यू आस्क मी द क्वेश्चन आफ्टर दिस क्लास, आई मीन आफ्टर दिस सेशन। फाइन, ओके सर। ओके, नाउ अभी वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, करेक्ट? यस सर। क्या अभी वोलेटिलिटी घटा? यस सर। क्या अभी वोलेटिलिटी बढ़ गया? यस सर। वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा था जब ये कैंडल बना, वोलेटिलिटी अपसाइड का कम हो गया, डिक्रीज्ड। जब वो ये बन गया, डाउनसाइड का वोलेटिलिटी ज्यादा हो गया, करेक्ट? बढ़ गया। यस सर। ये जो टॉप है ये इसका रेजिस्टेंस है सर, क्लियर ना? यस सर। ये जो ऑलरेडी वॉल्यूम घटा था ना, ये इसका लो है, फर्स्ट रेड कैंडल है, उस ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है, क्लियर है क्या? क्लियर। अभी इसमें थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे। ये जो रेड कैंडल घटा था ना, वॉल्यूम एक घटा था ना, मतलब इधर इधर इसका वोलेटिलिटी घट गया था, करेक्ट? ये कैंडल में। यस सर। क्या इसने हाई से गिरा था, लो से गिरा था? हाई से, हाई को जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको टच किया था क्या, उसके ऊपर गया था क्या? नो सर। अगर अभी तो नहीं सर। अगर अगर इसने इसके ऊपर से गिरा है, ओके? यस सर। रेजिस्टेंस इधर बनता है हाई पे, ओके? ओके, नहीं तो एक क्लोज प्राइस पे रेजिस्टेंस बनता है, क्लियर है ना सर? ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है। ओके सर, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। बहुत सिंपल है सर, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे टेंशन मत देना जब हम चार्ट रीडिंग पे जाते हो तो ये पता नहीं है तो। हाँ यस सर। सर कुछ पूछना है क्या? I have one question. Yes, sir. Yes, sir. What is the importance of resistance confirmation in this particular volatility method? Okay. Now, this resistance confirmation, no? Aapko line draw karna gaya? Ma, kidhar aata hai wo resistance confirmation? Yes. Okay. Yes. In fact, aap jab entry karte ho, sir, idhar se karte ho, sir. Okay. Yes, stop. Okay. 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 Ye resistance confirmation kab hota hai? Hum dekhenge. लेकिन कंफर्मेशन लाइन ये है। ओके, यस सर। इट मींस सर ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक अब किसी भी कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। नहीं, मैं आपको क्या बताया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल, करेक्ट? इंपॉर्टेंट लेवल, यस सर। ये जो चीज है आपका इंपॉर्टेंट लेवल पे दिखना चाहिए। यस सर। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ढूंढने का तरीका है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यस सर। यस सर। ये पॉइंट क्लियर है?
यस सर ओके फिर एक बार बता देता हूँ भाई मुझे दो ग्रीन दो रेड कैंडल चाहिए ओके इसका ऑलरेडी अपसाइड में जा रहा है करेक्ट यस सर मतलब एक ये आ गया ऑलरेडी डाउन साइड में आ गया अभी यस सर इसका क्लोजिंग प्राइस इसका रेजिस्टेंस है क्यों रेड का लो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है क्लियर है ना यस सर अभी अगर मान लो इसने ऊपर से टूटा था ऊपर से तब रेजिस्टेंस किधर आएगा ग्रीन का हाई ग्रीन का हाई पे ओके ग्रीन का हाई ओके चलो अगर मुझे सपोर्ट मार्क करना है तो आप बताओ सर ये सपोर्ट है मतलब ये वोलेटिलिटी नीचे आ रहा था कि भाई ए से टूटा करेक्ट अभी सपोर्ट को किधर मार्क करूं मैं सपोर्ट को सर रेड के रेड का क्लोज ओके लो नहीं है सर अगर ये गिरा है इधर इधर से ये उठा है तो मैं इसको मार कर सकता था लो को अभी क्लोज को मार करना है क्लोज को मार करना है ओके ये मेरा सपोर्ट है ये मेरा सपोर्ट कंफर्मेशन है क्लियर यस सर ओके अभी सर मुझे बताओ इसमें वेर इज द दिस वन वेर इज द सपोर्ट सॉरी वेर इज द रेजिस्टेंस ग्रीन के हाई इट्स अ ग्रीन हाई क्लियर है ना यस सर यस सर इसमें किधर है ग्रीन का क्लोज क्लियर है सर ये पॉइंट क्लियर है रेजिस्टेंस कंफर्मेशन तो इधर ही आएगा यस सर ये पॉइंट क्लियर है ना अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है इफ यू वांट टू सी द सपोर्ट ओके मान लो ऐसे किया था ओके सपोर्ट किधर है रेड का लो रेड का लो रेड का लो क्लियर है ना यस सर अभी सपोर्ट किधर है रेड का क्लोज क्लियर है ना सर हाँ इसको क्या मेथड बोलते हैं दिमाग में घुसना चाहिए क्लियर कट एक्सप्लेन किया हूं पॉइंट यस सर ओके तो कोई एक स्टॉक में ओके मैं सिर्फ इसमें ही देखता हूं वन डे में ही ओके सर लो वोलेटाइल बने अगर जो ग्रीन अगर नेक्स्ट टू ग्रीन कैंडल लो वोलेटाइल बने रेजिस्टेंस लो बनाने नो प्रॉब्लम सर अभी देखो इसमें देखो बताता हूं ये हायर है करेक्ट मुझे ही बताओ क्या इसको तोड़ा है नीचे गिरने के लिए नो सर मार्केट नीचे गिर सकता है ये निफ्टी है निफ्टी का चार्ट है दिखा रहा हूँ 5 मिनट्स में भी करना ये मतलब ये क्या है सर वेर इज इट ओके इसमें क्या हुआ है सर रेजिस्टेंस किधर है सर ग्रीन के ऊपर हाई पे क्योंकि इसने तोड़ा है ओके रेजिस्टेंस कंफर्मेशन किधर है रेड के लो तोड़ा है यस सर गिरेगा यस सर ओके मतलब ये दिखना चाहिए ओके फाइन अभी भाई मुझे एक चीज बताओ इधर वोलेटिलिटी क्या हुआ है सर ओके टेल मी वेयर इज द रेजिस्टेंस सर
सर इसमें ग्रीन के टॉप पे ग्रीन के टॉप रेड का क्लोज रेड का क्लोज रेड का ओपन पे रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है क्लियर है ना यस सर दो ग्रीन दो रेड नहीं हो पाया सर इसमें ओके फाइन सर इसमें क्या हुआ है सर ये स्ट्रक्चर हायर आई है ना वोलेटिलिटी किधर घटा है वोलेटिलिटी किधर घटा है सर where the volatility is decreased either correct so increased second red mein either decrease ho gaya yes, either sir. increase ho gaya correct hmm. mera resistance idhar aayega na resistance confirmation idhar aayega correct right sir yes a point clear hai na yes yes sir yeah baad mein aapko samajh mein aa jata hai bhai idhar ek matlab cheez hai aap dekhte ho you learn that once you finish everything fine sir ye dhoond sakte ho na okay you want to do it in 5 minutes अगर ये वोलेटिलिटी मेथड से क्या इधर एक सपोर्ट है सर ओके इसको स्ट्रक्चरली मैं बताना चाहता हूँ ओके चलो ये लोग स्टॉप लॉस लगता है कि पता नहीं ये इधर हायर हाई मारा था ना ये नीचे गिर रहा था यस सर इधर हाई मारा है करेक्ट यस सर इधर तक लो मारा है करेक्ट Yes. अभी स्टॉप लॉस देखो 0.5 पैसे का हाँ किधर है ये मतलब क्या है लो है इसका हाई है 37.2545 ओके इसका लो है 20 21 ओके क्या इसने ऐसा किया है यस सर ओके सर मुझे एक चीज बताओ क्या इधर सपोर्ट है इधर किधर भी इधर किधर भी सपोर्ट है क्या सर तो रेड पे रेड के लो पे दो है ना ये रेड के लो पे यस इधर सपोर्ट है रेड के लो पे होना है यस सर यस सर ओके इधर सपोर्ट है ओके ये सपोर्ट है ना यस ये सपोर्ट कंफर्मेशन है करेक्ट यस सर अगर ये सपोर्ट है तो ये नहीं टूटना चाहिए ना सर यस सर टूटा है क्या टूटा है क्या यस सर इसने बता दिया भाई yes, दो ग्रीन दो रेड से सपोर्ट बन गया हाँ भाई ये लो वोलेटाइल था सर ये लो वोलेटाइल था ना सर नहीं था सर इधर हायर हाई मारा है ना सर यस सर किधर है ये लोअर लो मतलब लो वोलेटाइल है ना सर है इसका लो कितना है लो वोलेटाइल 21.4 21.15 21.45 21 पॉइंट मतलब इधर लोअर लो मारा है करेक्ट सर नो सपोर्ट ये नहीं है yes, sir. किसने बता दिया दो ग्रीन दो रेड सपोर्ट है सपोर्ट के लिए लोअर लो एंड हायर हाई चाहिए क्या सर हाँ ट्रेंड में होना चाहिए ना सर करेक्ट ट्रेंड में यस सर समझ रहे हो ना जो सपोर्ट है इसके नीचे आएगा सर ये जो लो है ना इसके नीचे सपोर्ट आएगा दिस आर ऑल टेक्निकल्स ओके वी विल लर्न अभी तक का जो लो था ना इसके नीचे इधर दिख रहा है अभी अगर इसके नीचे आता है तो मुझे बताओ ये दो ग्रीन है दो रेड है करेक्ट सपोर्ट किधर आएगा इसमें क्या सपोर्ट कंफर्मेशन ये वाला है करेक्ट नहीं है सर कंफर्मेशन ये कैसे हुआ था सपोर्ट एक ग्रीन कैंडल का हाई है ना सर
सर वो उसके नेक्स्ट होल्ड ग्रीन कैंडल का हाई बनेगा ना सर सपोर्ट को वो रेड लो वाला टाइल है ना दिस वन यस सर ये है सपोर्ट ये सपोर्ट कंफर्मेशन है नीचे वाला सपोर्ट सपोर्ट यस क्या प्राइस आया इधर ये लेवल तक नो सर क्या इधर सपोर्ट था ना क्यों आया ट्रेंड में नहीं था सर यस सर अंडरस्टैंड सर डिफरेंट समझ रहे हो इसको ढूंढना है सर ओके किसने बता दिया नहीं किसी ने नहीं हमारा मेरा जो गुरु है वो सही बताया था ये पार्ट लोग है ना ट्रेनर्स हां दो ग्रीन बना दो रेड बना सपोर्ट मार्क करो वो सपोर्ट है हां ना सर कमजोर सपोर्ट है टूटेगा वो क्लियर है ना सर क्या हो रहा है सपोर्ट होना चाहिए अभी तक का लो है इसके नीचे आना चाहिए फाइन Yes, इतना sir. भी ऊपर जाने तो सपोर्ट नहीं है हां यस सर ये पॉइंट है ये हम सीखेंगे लेकिन मुझे ये बताओ वोलेटिलिटी मेथड्स है वोलेटिलिटी मेथड्स है कैन यू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद लॉजिक विद साइंस यस सर सबको यस सर ओके देयर आर टू अदर मेथड्स सर वी विल कंटिन्यू वी विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक सर वी विल कम बैक एंड टेक अ दिस वन व्हाट इज दैट क्या we'll take 5 minutes we'll continue with the two, other two okay boring लग रहा है क्या time लग रहा नहीं, है नहीं sir huh? we'll move no, sir, no, sir. क्योंकि ये no. पहले खत्म करना है sir क्योंकि कल अगर मैं chart reading करके मैं इधर entry तब क्या क्या था उधर पता नहीं है उधर समझाना पड़ेगा ठीक no problem yes sir okay, okay. we'll take a 5 minutes break